एवरीवन एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आयुष्मान कार्ड के बारे में कि अगर आप जो है आयुष्मान कार्ड का लाभ अपने घर बैठे ही लेना चाहते हैं, यानी कि जैसे नया आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं या किसी मेंबर को ऐड करना चाहते हैं या पीवीसी वाला आयुष्मान कार्ड को ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप जो किस तरीके से अपने घर बैठे ही दोस्तों आप ये सब काम कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को ऑपरेटर आईडी की जरूरत पड़ेगी। अब जो है ऑपरेटर आईडी जो है हर किसी को मिलना चालू हो गया है, और किस तरीके से आपको ऑपरेटर आईडी लेने के लिए आपको अप्लाई करना है, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट मतलब लगने वाले हैं, उसकी पूरी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और जब एक बार आपको दोस्तों ये ऑपरेटर आईडी मिल जाती है, उसके बाद आप जो है अब उसमें मेंबर ऐड कर सकते हैं या किसी का नया आयुष्मान कार्ड आपको बनाना है तो आप जो नए आयुष्मान कार्ड को बना सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में जो है उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आप जो किस तरीके से ऑपरेटर आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या है उसका प्रोसेस जानने के लिए दोस्तों वीडियो कंटिन्यू देखते रहें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि अगली वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिससे कि आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों, और इस तरह की नॉलेज वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहती है। तो दोस्तों वीडियो कंटिन्यू वॉच करते रहें। इसी के साथ ज्यादा लेट ना करते समय दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक ब्राउजर ओपन कर लेना है इस तरीके से, और आपको यहाँ पे सर्च मारना है दोस्तों आयुष्मान कार्ड अप्लाई, ये लिख के दोस्तों सर्च कर लेना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा PMJAY बेनिफिशियरी पोर्टल, दोस्तों इसी के ऊपर जो आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरह का इंटरफेस जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके जब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जो है आपको और ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यहाँ पे मिल रहे हैं दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, बेनिफिशियरी और ऑपरेटर। तो इसमें से जो आपको ऑपरेटर आईडी के लिए अप्लाई करना है तो इस पर ऑपरेटर पर क्लिक करना है आपको इस तरीके से, ऑपरेटर पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे थोड़ा तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, सबसे नीचे देखेंगे आप इफ़ यू डोंट हैव एनी अकाउंट, तो यहाँ पे आपको साइन अप करना है क्योंकि आपको नया अकाउंट बनाना है, तो साइन अप करेंगे। साइन अप क्लिक कर दिया है, साइन अप पर देख सकते हैं यहाँ पर लोडिंग हमारा हो रहा है, तो ये लोड हो रहा है। अपलोड होने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं आपको इस तरीके का जो इंटरफेस देखने को मिल जाएगा आयुष्मान भारत का। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको साइन अप करना है, साइन अप कर लेना है दोस्तों। और किस तरीके से साइन अप करना है ये बताता हूँ, ये कैप्चर कोड जो दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, उसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद दोस्तों आपको ये वैलिडिटी का ऑप्शन दे रखा है, इसके ऊपर आपको वैलिडिटी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप वैलिडिटी पर क्लिक करेंगे देखेंगे इस तरह का ये ग्रीन हो जाएगा। अब इसके बाद ग्रीन होने के बाद दोस्तों अभी हमारा देख सकते हैं ग्रीन टिक हमारा लग गया है। अब नीचे आएंगे, नीचे देखेंगे तो ये कैप्चर कोड मिल रहा है हमें टाइप करने के लिए। तो इस कैप्चर कोड को जो है यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। कैप्चर कोड को जब टाइप कर देंगे दोस्तों यहाँ पर, तो उसके बाद नीचे ऑप्शन मिल रहा होगा EKYC मोड का। अब इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस पर क्लिक नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप कैप्चर कोड जो है हमने दे रखा है ऊपर उसको अगर हम टाइप नहीं करेंगे तब तक ये सिलेक्ट वाला मोड हमारा ओपन नहीं होगा। तो हम जो कैप्चर कोड को टाइप कर देंगे, टाइप करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ गया सिलेक्ट करने का EKYC का मोड का। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं आधार OTP और आधार फिंगरप्रिंट, तो इसमें से जो आधार OTP वाला ऑप्शन ले लेंगे हम। आधार OTP लेने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको रीड करना है तो रीड कर सकते हैं, ये तो आपको जो है यहाँ पे कंसेंट देना है तो कंसेंट दे देंगे। कंसेंट देने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको जो है अलाउ कर लेना है, अलाउ का ऑप्शन दे रखा है उस पर अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद दोस्तों हमारा देख सकते हैं यहाँ पे एक जो हमने आधार नंबर दिया है उस पर एक OTP आया है, वो OTP दोस्तों हमको यहाँ पे टाइप कर देना है। नीचे ऑप्शन दे रखा है आधार OTP को, और ये कैप्चर कोड को यहाँ पे टाइप कर देना है। कैप्चर कोड टाइप करने के बाद ये आधार OTP वाला ऑप्शन, यहाँ पे आपको जो आधार पे OTP आया है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे ऑप्शन मिल रहा है हमें सबमिट करने का, तो यहाँ से जो है हमें इसे सबमिट कर देना है OTP डालकर। तो यहाँ पे जो मैं OTP आया वो OTP मैं डाल देता हूँ, देखिए OTP मैंने टाइप कर दिया, उसके बाद सबमिट कर दिया है। तो सबमिट करने के बाद आप इस तरीके देख सकते हैं अगला स्टेप हमारा आएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सबसे पहले ऑप्शन में हमारा नाम देखने को मिल जाएगा, ये नाम जो हमारा आधार नंबर में टाइप किया उससे ले लिया है। जेंडर देख सकते हैं, एज देख सकते हैं, हमारी सब ये आधार कार्ड के जरिए सब ऑटोमेटिकली फिल हो चुके हैं। बस आपको यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, नीचे आएंगे तो स्टेट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे उसको स्टेट को सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है, तो वेरीफाई कर लेंगे।
वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद जो है अगला स्टेप हमारा जो है देख सकते हैं, हमने मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे वेरीफाई कर लिया और यहाँ पे एक जीमेल डाली थी, जीमेल को हमने वेरीफाई कर लिया है। तो जीमेल और मोबाइल नंबर डालकर दोस्तों आपको इस तरीके से यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। तो वेरीफाई कर लेंगे, आप देख सकते हैं हमारे टिक आ गया है, येलो टिक आ गया है, तो हमारा वेरीफाई हो गया। अब जो ओटीपी हमारे मोबाइल पर आया है, जो हमने दिया है वो ओटीपी हमको दोस्तों यहाँ पे टाइप कर देना है। तो चलिए हमने ओटीपी जो आया था हमने टाइप कर दिया, अब देख सकते हैं ग्रीन टिक लग गया है, यानी कि हमारे जो है वेरीफाई हो चुके हैं। अब आता है ऐड डिटेल का। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे फोटो अपना अपलोड कर देना है, ऑप्शन से रखा है तो फोटो अपना अपलोड कर देंगे। आपका आता है ऐड। अब यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिल रहा होगा ऐड रोल डिटेल्स मतलब पेरेंटरी एंटिटी, तो यहाँ पे आपको जो है सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे कि आप जो है दोस्तों इसमें आपको स्टेट सिलेक्ट करना है अपना, मतलब एच ए एस एच ए डाल के आपको जो भी आपका स्टेट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो देख सकते हैं हमने अपना स्टेट जो है सिलेक्ट कर लिया है और भी जो कॉलम हमारे ऑटोमेटिकली भर के आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो अगला हमारा एजेंसी वाला दिखाया एंटिटी टाइप, अब हमको जो है ये टाइप करना है, तो इसमें जो हम टाइप कर लेंगे एजेंसी वाला ऑप्शन। अब अगला स्टेप आता है हमारा सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों, तो इस पर भी जो हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा कि हम जो है ये ऑपरेटर आईडी ले रहे हैं ये किस लिए लेना चाहते हैं, एनएचए आशा कोलर पेस्ट सीएससी या ग्राम सेवा केंद्र, जो भी आप जिसके लिए भी लेना चाहते हैं वो अपना अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें से एएनएम आशा एडब्ल्यूडब्ल्यू कलर फ्लास्ट सीएससी ग्राम सेवा और जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है दोस्तों, इसके बारे में मुझे इसकी नॉलेज नहीं है तो इसलिए मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ। आपको जो आप जिसके कारण लेना चाहते हैं वो आप उसमें ले लेंगे। जैसे हम आशा का ले लेते हैं तो हम आशा वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक करेंगे। अगर आप ग्राम सेवा का लेना चाहते हैं तो आप ग्राम सेवा पर क्लिक करेंगे, तो मैं इसमें से आशा वाला मोड पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यूजर रोल पर क्लिक बताना है हमें, उस पर क्लिक करेंगे तो यूजर रोल में हमें कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो हम जो है इस पर एक ऑप्शन जो मिला एडमिन का और एजेंसी ऑपरेटर ए बी पी डी एम और डी सी, तो इसमें से हमें एक सिलेक्ट करना, तो हम लेंगे एजेंसी ऑपरेटर वाला ऑप्शन। तो हमने जो एजेंसी ऑपरेटर वाला ऑपरेटर बी हमने ले लिया है। अब एप्लीकेशन में हमें सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर भी हमें बी आई एस सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, तो आप लोगों को बी आई एस सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद था एडमिट कोड। अब एडमिट कोड जो है दोस्तों आपको काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि एडमिट क्या क्या होता है, एडमिट कोड कैसे हमें पता करना है दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं। सबसे पहले हमने जो है आशा के बारे में सुना था, हम जो पूछा गया था कि आप जो है ऑपरेटर आईडी किस लिए लेना चाहते हैं, किससे लेना चाहते हैं, उसके बारे में पूछा गया था। तो हमने जो आशा सेलेक्ट किया था तो आपके जो गाँव में जो आशा नाम से जो भी आपकी हैं आपको आशा से बात करनी है और उनसे उनका जो एडमिन कोड है वो आपको उनसे लेना है। वो एडमिन कोड दोस्तों यहाँ पर टाइप कर देना है, उसका आपको बात कर लेनी है कि जो भी आपको कमीशन लेना चाहती हैं अपना 50% जो भी जैसे भी करना चाहते हैं आप अपना ले सकते हैं, तो उसी हिसाब से आप उनसे बात कर लेनी है। फिर आपको जो वहाँ से एडमिन कोड मिल जाएगा दोस्तों, एडमिन कोड मिलने के बाद आपको जो है यहाँ पर वही एडमिन कोड दोस्तों उनसे जो मिलेगा आपको वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। तो आइए दोस्तों मैं जो एडमिन कोड हमको मिला है वो टाइप करता हूँ, और देख सकते हैं हमारा फोटो वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर कंप्लीट दिखा रहा है। अब इसको जो है आपको दोस्तों सही तरीके से एक बारी रीड कर लेना है, मतलब आपको देख लेना है कि आपने जो भी सारी चीज़ें सही भरी हैं सही भरी नहीं है। तो हमने एडमिन कोड डालते हैं, हमें ऐड का ऑप्शन मिल गया देख सकते हैं। तो हमने जब एडमिन कोड डाला है तो हम ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन और देखने को मिल रहे होंगे यूज़र नेम और पासवर्ड के, तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो है यूज़र नेम टाइप कर लेना है जिससे आप लॉग इन करेंगे ऑपरेटर आई डी को। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यूजर नाम डाल देना है, जैसे कि आप अपना नाम डालना चाहते हैं तो अपना नाम डाल लेंगे सबसे पहले, उसके बाद कोई भी नंबर आप उसके आगे लगाना चाहते हैं तो दोस्तों वो नंबर अपना टाइप कर देंगे, उसके बाद अपना नाम मिल जाए। उसके बाद आता है पासवर्ड। पासवर्ड दोस्तों आपको अपने हिसाब से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है, जो किसी को आपको नहीं बताना है, तो वही पासवर्ड दोस्तों आप ऐसे नाम डाल के या कोई भी नंबर डाल के ऐट द रेट लगा के आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। तो हमने अभी बना लिया है, और दोबारा से कंफर्म करने के लिए दोस्तों एक बार फिर आपको वही पासवर्ड जो आपने ऊपर डाला है वही आपको दोबारा से यहाँ पर टाइप कर देना है। तो दोस्तों आपको ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मतलब मजबूत पासवर्ड आपको जो है इस तरीके से बना लेना है, और इसको बनाने के बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो सबमिट का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपको जो अब ये जो दोस्तों ऑपरेटर आईडी है ये आपने जो जीमेल इस पे दिया है
वो जीमेल पे मैसेज आपके आ जाएगा, उस पर आपको जीमेल पर ये ऑपरेटर आईडी देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ से आपकी अप्लाई हो गई है, अब 24 घंटे के बाद दोस्तों आपको ये ऑपरेटर आईडी मिल जाएगी। तो इसी तरीके से आपको ऑपरेटर आईडी बना लेनी है। और दोस्तों जब एक बार आपकी ऑपरेटर आईडी बन जाती है तो आप जो है किसी का भी आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, अपने घर में या उस पड़ोसी का जिसका भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, या कुछ भी आपने उसमें EKYC करनी है, मेंबर जोड़ने हैं कटाने हैं, आप जो है सारे काम उससे ऑपरेटर आईडी के ज़रिए से कर सकते हैं। तो कैसे लॉगिन करनी है देख सकते हैं, यहाँ पर ऑपरेटर आईडी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर रेसिडेंट मोड पर जाएंगे, फिर अथेंटिक मोड सेलेक्ट करेंगे, कैप्चा कोड टाइप करेंगे, उसके बाद आपकी हो जाएगी। मिलते हैं अगला। तो दोस्तों आप लोगों को जो पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना, साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि अगली वीडियो हमारी आएगी दोस्तों तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। और इस तरह की नॉलेज भरी वीडियो दोस्तों आप लोगों को मिलती रहती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।